Good morning, second class students. It's your EVS class and I am your teacher, Tripta. Students, open your EVS students workbook. EVS workbook. And I think you have done this page number 31. My school, draw and color the school envelope. वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो. आज आप लोग ओपन करोगे पेज नंबर 32. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड दिस इज बी क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल. आपको अपने स्कूल के बारे में ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इनके आंसर्स करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ माई स्कूल. अपने स्कूल का नाम लिखना है और जब नेम लिख रहे हो बेटा फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का. सेकेंड, द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज. हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखना है. हाँ जी बेटा, जो पटौदा वाले बच्चे हैं दे विल राइट संस्कारम इंटरनेशनल स्कूल, और जो खातीवास वाले बच्चे हैं दे विल राइट संस्कारम पब्लिक स्कूल. पटौदा वाले बच्चे संस्कारम इंटरनेशनल स्कूल लिखेंगे और खातीवास वाले बच्चे संस्कारम पब्लिक स्कूल लिखेंगे. वैसे ही प्रिंसिपल का नेम जब लिखना है तो खातीवास वाले बच्चे लिखेंगे मिस्टर किशोर तिवारी और पटौदा वाले बच्चे मिसेस गायत्री लिखेंगे. माय स्कूल मोटो इज. स्कूल का मोटो क्या है? संस्कार, शिक्षा, सफलता. और ये इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसे आगे पीछे नहीं करना. संस्कार, शिक्षा, सफलता. माय स्कूल एड्रेस, ये भी अलग अलग रहेगा. खातीवास वाले खातीवास झज्जर लिखेंगे और पटौदा वाले बच्चे यहाँ पटौदा लिखेंगे. माय स्कूल इज बिग एंड इज नियर फ्रॉम माय हाउस. मेरा स्कूल बड़ा है और यह मेरे घर के अगर नजदीक है तो नियर लिखोगे, अगर आपके घर से दूर है आपका स्कूल तो फार लिखोगे. नियर मीन्स पास, फार मीन दूर. आई लव टू डू स्टडी एंड प्ले एट स्कूल. स्कूल में आपको जो भी दो बातें अच्छी लगती हैं बेटा वो लिखनी है यहाँ पे. दो एक्टिविटीज कोई भी लिख सकते हो. माई फेवरेट टीचर इन स्कूल इज. यहाँ पर आप अपने फेवरेट टीचर का नाम, चाहे उन्होंने आपको पिछले साल पढ़ाया हो, चाहे वो आपके सेक्शन इंचार्ज हो, या फिर जो भी आपके फेवरेट टीचर हो, आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हो. सेकेंड वर्कशीट पे आते हैं. आइडेंटिफाई द प्लेस दैट सलमा इज गोइंग फॉर इन हर स्कूल. सलमा वॉन्ट्स टू बोरो सम बुक्स टू रीड एट होम. वेयर शुड शी गो. सलमा नाम की ये बच्ची है और इसे जो जहां जहां स्कूल में जाना है, आप लोगों को वो प्लेसेस हिंट दिए गए हैं, आप लोगों को वो प्लेसेस फाइंड आउट करके वहां के नाम लिखने हैं इन द स्कूल. सलमा को कुछ किताबें चाहिए और वो इन किताबों को पढ़ने के लिए घर लेकर जाना चाहती है. वेयर शुड शी गो. उसे कहां से मिलेंगी बुक्स? लाइब्रेरी से. डन. वन वर्ड आंसर आपको करना है यहाँ पे. सलमा इज लुकिंग फॉर द रूम वेयर टीचर सिट आफ्टर देयर क्लासेस आर ओवर एंड करेक्ट नोटबुक्स. वेयर शुड शी गो. सलमा उस रूम को ढूंढ रही है जहां पर टीचर्स क्लासेस ओवर होने के बाद नोटबुक चेक करने के लिए बैठते हैं. तो उसे कहां जाना चाहिए? स्टाफ रूम में. बेटा जैसे ही टीचर्स की क्लास ओवर हो जाती है और उन्हें नोटबुक्स वगैरह जो चेक करनी होती है या कुछ भी ऑफिशियल वर्क करना होता है तो मोस्टली टीचर्स स्टाफ रूम में ही बैठते हैं, टीचर्स के बैठने के लिए जो रूम बना होता है. सलमा वांट्स टू गिव अ लेटर टू हर स्कूल प्रिंसिपल. वेयर शुड सी गो. अब प्रिंसिपल से अगर सलमा को मिलना है तो कहां जाएगी सलमा? प्रिंसिपल ऑफिस में. सलमा वांट्स टू प्ले ऑन द स्विंग्स विद हर फ्रेंड्स. सलमा स्विंग्स पे अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है. वेयर शुड सी गो. उसे कहां जाना चाहिए? प्लेग्राउंड में. मोस्टली ग्राउंड में ही स्विंग्स होते हैं तो सलमा को वहीं जाना चाहिए. सलमा हैज टू अटेंड हर ईवीएस क्लास. वेयर शुड सी गो. अब ईवीएस की क्लास लेनी. अब क्लासेस कहां लगती है? हर एक क्लास क्लासरूम में ही लगती है मोस्टली. जो हमें और कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क करना हो तो हम लैब्स में जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्लासेस हमारी क्लासरूम में ही लगती हैं. प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम लोग लैब्स में जाते हैं या ग्राउंड में जाते हैं. ईवीएस की क्लास है, सलमा को ईवीएस की क्लास अटेंड करनी है तो सलमा को कहां जाना है? क्लासरूम में. लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल ऑफिस, प्लेग्राउंड एंड क्लासरूम.
दिस पेज इज ओवर. नाउ ओपन पेज नंबर 34. गिव वन वर्ड. यहां पर भी आपको वन वर्ड आंसर ही करना है बेटा. आई हेल्प यू टू लर्न न्यू थिंग्स इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आपको नई नई बातें, नई नई चीजें कौन सिखाता है? टीचर. आई लुक आफ्टर द लाइब्रेरी एंड हेल्प यू फाइंड बुक्स दैट यू नीड. मैं लाइब्रेरी में की देखभाल करता हूँ और आपको जो भी बुक्स चाहिए हो वो ढूंढने में आपकी सहायता करता हूँ. कौन हूँ? लाइब्रेरियन. बेटा आपके स्कूल की जो लाइब्रेरियन है उनका नाम है मिसेज रजनीश एंड मिसेज शीला. रजनीश मैम और शीला मैम, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. आई रिंग द बेल. आई ऑल्सो हेल्प द टीचर्स फॉर टीचर्स एंड द प्रिंसिपल. मैं स्कूल के रिंग, स्कूल में बेल रिंग करता हूँ, बेल बजाता हूँ और मैं टीचर्स की और प्रिंसिपल की हेल्प भी करता हूँ. कौन हूँ? पियोन. आई एम द हेड ऑफ द स्कूल. स्कूल के हेड कौन है? प्रिंसिपल. आई लुक आफ्टर द स्कूल गार्डन. स्कूल गार्डन की देखभाल कौन करता है? गार्डनर. आई गार्ड द स्कूल एंड कीप इट सेफ. गेट कीपर. आई ब्रिंग यू टू स्कूल एंड ड्रॉप यू बैक होम इन द स्कूल बस. स्कूल बस में आपको लेकर आने का और लेकर जाने का वर्क कौन करते हैं? ड्राइवर अंकल. ड्राइवर, यू विल राइट ड्राइवर. आई कीप द स्कूल क्लीन. स्कूल को साफ सुथरा रखने का काम कौन करता है? स्वीपर. टीचर जो हमें नई नई बातें सिखाते हैं. लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी के हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं. पियोन जो टीचर्स और प्रिंसिपल की हेल्प करते हैं और स्कूल में रिंग भी बजाते हैं, बेल भी बजाते हैं. स्कूल के हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल. गार्डन की देखभाल कौन करता है? गार्डनर. स्कूल की सेफ्टी की जिम्मेवारी किसकी होती है? गेट कीपर की. स्कूल की बस कौन चलाता है? ड्राइवर. और स्कूल की साफ सफाई कौन करता है? स्वीपर. टीचर, लाइब्रेरियन, पियोन, प्रिंसिपल, गार्डनर, गेट कीपर, ड्राइवर, स्वीपर. डन. लास्ट में पेज नंबर 35. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू लाइक अबाउट योर स्कूल. आपको अपने स्कूल में क्या क्या पसंद है? एनी फाइव लाइन्स यू कैन राइट. जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है. हाँ, नेम लिखना जरूरी है, लोकेशन लिखना जरूरी है. प्रिंसिपल का नेम, उसके बाद आप कोई भी लाइंस ऐड कर सकते हो. टू लाइंस कुछ भी लिखिए, आपको आता है बेटा. ठीक है, पेज नंबर 35 तक आज आप अपना वर्क करोगे. यहाँ पर वर्कबुक में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए. बट डू योर वर्क नीटली एंड ब्यूटीफुली. थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे.